नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेके आया हूं मैं राजस्थान पुलिस, पटवार और रेलवे के लिए जनरल साइंस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली प्रत्येक एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं कौन से रोग से? पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र हो जाने से थकान होती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाने से शरीर में थकान का क्या होता है? महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई या तय की जाने वाली दूरी होती है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फेदोमीटर। तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, तभी अगर दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा केवल संवहन। तो मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन होना। तो जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटन करने की प्रक्रिया ही पाचक प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज या लघु रेडिये तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? तो क्या है इसका आंसर? बृहस्पति। और बृहस्पति वायुमंडल में सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है, जिसके 63 उपग्रह हैं। कितने हैं? 63 उपग्रह। और यहाँ पे आया है मीथेन, तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय नियम से
बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जड़त्व। और दोस्तों यही नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। तो लेसर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। इसका आंसर होगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन, क्यों न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए इसे आवेश रहित कण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा शारीरिकी। तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा बैंगनी। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और दोस्तों एक प्रश्न आपको ये पूछा जाए तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो वह रंग है लाल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, सॉरी दोस्तों, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या महसूस होता है? तो इसका आंसर होगा निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो दोस्तों इसमें उल्टा सिस्टम है, जैसे कि दूरदृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे गए लेंस को ऊपर उठाने पर उस यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस किस प्रकार का होगा? तो इसका आंसर होगा वह लेंस उत्तल होगा। और यही प्रश्न ऐसा हो, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार घटता हुआ दिखाई दे तो वह लेंस किस प्रकार का होगा? तो घटता हुआ दिखाई दे तो वह तो होगा अवतल अवतल लेंस होगा, और अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर में।
तो बेंगलोर किस राज्य की कैपिटल है? कर्नाटक की है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो इसका आंसर होगा ध्वनिक की चाल से भी अधिक। तो पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनिक की चाल से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। कितना होगा? 36,000 किलोमीटर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर 36,000 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिपोक्रेटस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का कार्य होता है, कार में रेडिएटर का काम होता है या कार्य होता है, तो इसका आंसर होगा इंजन को ठंडा करना। तो इंजन को ठंडा करने का कार्य होता है रेडिएटर का। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि ये आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड इन्हीं वीडियो में से रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, किसी भी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।